हेलो नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा बॉबी और यूट्यूब पे जानकारी देनी मेरी हॉबी। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ओप्पो रेनो 6 प्रो और ये 5G वेरिएंट है। इसमें हमें चार कैमरे पीछे देखने को मिल जाते हैं और आगे वाला फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। सबसे मेन हाईलाइट बात करते हैं तो इसका हमें 12 GB रैम देखने को मिल जाती है, 256 और कई सारे वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। फुल्ली टच स्क्रीन देखने को मिल जाता है, 6.55 इंचेस का 1080x2400 का डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी है। और सी टाइप का चार्जर देखने को मिल जाता है और भाई काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर हैं। बैटरी बैकअप की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा है, 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है इस फ़ोन में। और टच तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। तो ये क्विक रिव्यू था, तो आपको ओप्पो रेनो 6 प्रो 5G कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। सबसे पहले प्राइस रेंज की बात करते हैं तो वो लगभग 40,000 के समथिंग पड़ जाती है और अलग अलग होली दीपावली पे वेरियंट अलग अलग मतलब थोड़ी बहुत डिस्काउंट वगैरह मिलते रहते हैं। ये कैमरा देख सकते हो भाई, पीछे वाला कैमरा 64 मेगापिक्सल का है और एक 8 मेगापिक्सल का है और एक फिर दो दो के वेरियंट में आ जाते हैं। तो सबसे जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। ये भाई की फ़ोटो देख रहे हो कितनी बढ़िया आई है, ये सेल्फी मोड से ली गई है। तो और टच देख सकते हो आप लोग, काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी अच्छा है और एज टू एज टच है देख सकते हो आप लोग, और कैमरा डिस्प्ले के ही अंदर है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है फ़ोन की। आपको अगर ये फ़ोन लेना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाके ले सकते हो। प्रोसेसर की बात करें तो मीडिया टैग डिमेंसिटी 1200 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और ये इसकी है बैक लुक, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैमरा जूम करके एक बार यहाँ। और काफ़ी अच्छी फ्लैश भी देखने को मिल जाती है इसके अंदर हमें। और डिजाइन, डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर, परफॉर्मेंस, बैटरी, कैमरा और काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम बात करें इसके आफ्टर सर्विस की तो वो भी काफ़ी अच्छी है। बैटरी इसमें थोड़ी सी और बढ़ा देनी चाहिए, लगभग 5500 mAh की कर देनी चाहिए क्योंकि इससे फ़ोन का बैकअप और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वैसे ये भी सही है, 4500 mAh की बैटरी वो भी काफ़ी सही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।